फ्राइड से 10 मिनट के डिस्टेंस पे। तो अंदर आने के बाद यू गेट योर लॉबी स्पेस वेरी नाइसली डन बाय द डेवलपर विद हिज बबली फिनिशिंग, कवर्ड रहेगा ऊपर से, बिग साइज ऑफ बेड, बिग साइज ऑफ वार्डरोब, स्टिल स्पेस कम नहीं पड़ रहा है। तीसरा वाला भयानक स्पेशियस है, कारपेट पे मत जाइए, रूम्स आर एक्चुअली स्पेशियस, मतलब लिविंग रूम के जो साइज है ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम का भी उतना ही साइज है। प्राइड से 10 मिनट के डिस्टेंस पे, प्राइड से 10 मिनट के डिस्टेंस में 75 लाख 950 प्लस कारपेट आप लोगों के लिए 3 BHK लेकर के आया हूँ। न्यू लॉन्च है, काफ़ी अच्छा है, और 950 एक कारपेट है इसके जैसा, इसमें 1000, 1100, 1200 एंड 1300 तक के कारपेट्स अवेलेबल है। तो ये सबसे छोटा वाला वेरिएशन है, और ये दिखाने का मोटिव ये है कि आपका जो बड़ा वाला कारपेट है वो और कितना इन्हांस हो सकता है। तो सबसे पहले एज यूजल 3 BHK का शो यूनिट है, नया लॉन्च है, प्राइड से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस अपार्टमेंट, 75 लाख में आपको क्या मिल रहा है। सो अंदर आने के बाद यू गेट योर लॉबी स्पेस, बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि आप आराम से यहाँ पे शूरेक बना सकते हैं, ऊपर तक डेकोरेट भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद भी डोर के पीछे भी काफ़ी स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। डोर आपका सेम फिनिशिंग का रहेगा विथ डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, और अंदर की तरफ चलेंगे और पूरे घर को एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पे बिल्डर ने बेसिकली पार्टीशन सा लगा के रखा है, डेकोरेशन इंटीरियर का पार्ट है फॉर सिटिंग, यू नो, बैठ सके आप जब शू को टाई अनटाई कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने इसको ना भी लगाया रहता तो ये आपका रूम यहाँ से स्टार्ट हो जाता, विच इज़ जस्ट हैव अ लुक एट द साइज, वेरी नाइसली डन बाय द डेवलपर, वेरी नाइसली शोकेस बाय द डेवलपर, एंड बिग साइज ऑफ सोफा सेट, सेंटर टेबल, टीवी यूनिट यहाँ पे अगर आपने लगा दिया, या सपोज करते हैं आपने यहाँ पे लगा दिया जहाँ पे मिरर लगा है, बट यहाँ पे एक टीवी यूनिट लगा है, तो व्यूइंग डिस्टेंस भी अच्छा बनेगा। तो यूटिलाइजेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिल्डर वुड प्रोवाइड कर रहा है। एंड लिविंग के बाद एल शेप का लेआउट है, सेपरेट डाइनिंग एरिया, तो ऐसा 8x5 का वो छोटा सा कॉम्पैक्ट डाइनिंग स्पेस नहीं है जो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, प्रॉपर आपका 10x5 का डाइनिंग स्पेस है। और अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी रखा रहता तो भी आपको इम्पैक्ट नहीं होता, प्लस आप डाइनिंग टेबल यहाँ तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लुक एट द फ्री स्पेस। तो काफ़ी अच्छा एल शेप का लेआउट है, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डर ने डेमोन्स्ट्रेट भी बहुत अच्छे से किया है। बाहर की तरफ चलेंगे और इसके बालकनी को देख लेते हैं। सो दिस इज योर बालकनी स्पेस, ऐसी ही वुडन टेक्सचर टाइल्स आपको मिलने वाली है विद दिस बबली फिनिशिंग, कवर्ड रहेगा ऊपर से, एंड स्टेनलेस स्टील सिंक विद टफन ग्लास आपको सेम मिलेगा ताकि सनलाइट का इशू ना हो। ओवरऑल साइज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सो यू कैन एंजॉय द व्यू आउटसाइड। अंदर की तरफ चलेंगे एंड दिस डोर कम्स विथ मॉस्किटो मैश एज वेल, तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको मॉस्किटो मैश भी मिलता है। तो ये पूरा ओपन, क्योंकि ये वॉल टू वॉल है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओपन होगा, तो आप अगर इसको पूरा ओपन भी कर लें तो विंड फ्लो बना रहेगा और मॉस्किटो का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर की तरफ चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द किचन एरिया। इनक्लोज बालकनी है इस किचन में, कवर्ड है, मार्किंग दे के रखी है वॉशिंग मशीन के लिए, उन्होंने प्लग पॉइंट्स दे के रखे हैं, वाटर इनलेट आउटलेट पॉइंट दिखाई नहीं बट मिलेगा ज़रूर। ऐसे ही आपका ब्राउन कलर का ग्रेनाइट टॉप मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पे एक यू नो सर्विस काउंटर भी बना सकते हैं। इसको अगर आपको एल शेप का करना है तो एल शेप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। बिल्डर तो ऐसे ही दे रहा है जैसे आपको दिख रहा है, ये आपको ट्रॉलीज कैबिनेट्स नहीं मिलने वाले हैं, रॉ मिलेगा। आपका डैडोटाइज 2 फीट तक रहेगा ताकि कैबिनेट लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। लॉफ्ट एरिया भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्योंकि इनक्लोज है तो यहाँ जैसे कैबिनेट लगा है आप यहाँ भी कैबिनेट लगा सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड विंडो भी आपको इतने बड़े साइज की मिलेगी ताकि आपको विंड फ्लो, ताकि आपका वेंटिलेशन, विंड फ्लो और सनलाइट बना रहे घर के अंदर। सिंक आपको सेम स्टेनलेस स्टील सिंक का मिलेगा, फिटिंग्स आपको जैगवार की मिलेगी। अंदर की तरफ चलेंगे और इसके तीनों बेडरूम को एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ योर पैसेज एरिया,
विच गिव्स यू एंट्री टू ऑल द थ्री बेडरूम्स। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन है आउटसाइड में। अगर आपको ये वॉश बेसिन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे एक वॉल लगा करके इसको कवर कर सकते हैं, ताकि आपका आपकी चॉइस है आपको कैसे उसको यूज़ करना है। तो आपको ओवर द काउंटर जैगवार का वॉश बेसिन मिल रहा है, नीचे का कैबिनेट नहीं मिलने वाला है। ओके, सारे रूम्स को एक्सप्लोर करने के पहले पूरे घर में आपको सेम या सिमिलर टाइल्स मिलेगी। अंदर की तरफ आते हैं, दिस साइड यू हैव योर कॉमन वॉशरूम स्पेस। यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है विच इज़ बेसिकली इंडियन स्टाइल, और टाइल्स और ये बाकी सारी डिटेल्स आप देख लीजिए जो आपको मिलने वाला है। हम चलेंगे कॉमन बेडरूम की तरफ। सो 10x9 का साइज है, ज़रा कॉम्पैक्ट रूम है, बट 957 का कारपेट है, तो 13x11, 12x10 हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक रूम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, बट बिल्डर ने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं दिखाया है। जैसा कि बहुत सिंपल है, आपका बड़े साइज़ का बेड इन्होंने लगा के दिखाया है, एंड 2 फीट का वार्डरोब भी प्रॉपर लगा के दिखाया है कि ये रूम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, कम है बट आराम से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब मुझे वो बंद बंद वाली फीलिंग नहीं आ रही है। चलिए अंदर की तरफ चलेंगे एंड इसके सेकेंड बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो आपका डोर जो है सेकेंड बेडरूम का, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और ये डोर के पीछे का एक स्पेस है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए। अंदर आने के बाद यू हैव योर वॉशरूम। वॉशरूम में फर्स्ट वॉशरूम का टाइल्स डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है। तो सो आप देख लीजिए, फॉल सीलिंग, फर्स्ट वॉशरूम, दूसरे वॉशरूम या जो नेक्स्ट वॉशरूम देखेंगे उसमें भी सेम आपको मिलने बिल्डर की तरफ से प्रोवाइडेड होगा। जैगवार का सीपी फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलने वाला है इन ऑल द थ्री वॉशरूम्स। तो ये हो गया आपका वॉशरूम का स्पेसिफिकेशंस। नीचे की भी एंटी स्किड टाइल्स देख लीजिए, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर हाउस। फ्रेमिंग आपका ग्रेनाइट का रहेगा। सो अब हम इसके सेकेंड बेडरूम को पूरा ध्यान से देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम, एंड अगेन बिग साइज ऑफ बेड, बिग साइज ऑफ वार्डरोब, स्टिल स्पेस कम नहीं पड़ रहा है। विंडो ऑन दिस साइड एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सेगमेंट में हम ज़रूर हैं, बट ये रूम इन्होंने काफ़ी अच्छे से दे के रखा हुआ है। लास्ट बेडरूम को देख लेते हैं, और ये प्रोडक्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 957 के कारपेट में भले ही एक रूम कॉम्पैक्ट है, एक रूम ऑप्टिमम है, तीसरा वाला भयानक स्पेशियस है। कैसे? ऑलमोस्ट 15.8x10.5 का बेडरूम है भाई। ये ऐसे बेडरूम साइजेस हमें 1100-1200 के कारपेट में मिलते हैं। इन्होंने 15x15x ऑलमोस्ट 11 का बेडरूम 957 बैठा दिया। इसलिए मैं बोला ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। नंबर्स पे मत जाइए, कारपेट पे मत जाइए। रूम्स आर एक्चुअली स्पेशियस। वी कैन क्लियरली सी 15.8x10.6 का 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड, जस्ट लुक एट द स्पेस, एक्स्ट्रा फर्नीचर, जस्ट लुक एट द स्पेस, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और वन मोर थिंग, वहाँ का टाइल्स देख लीजिए, पूरे घर में जो टाइल्स मिल रही है वो डिफरेंट है, वो ग्लॉसी फिनिश की है। जो मास्टर बेडरूम मिल रही है वो मैट फिनिश की मिल रही है। विंडो आपका वॉल टू वॉल एज इट इज़ रहेगा, पूरा ओपन हो सकता है 50% विथ मॉस्किटो मैश। नीचे का जो पोर्शन है वो फिक्स रहेगा, तो सनलाइट आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी अच्छा घर के अंदर आ भी रहा है। एंड फाइनली लास्ट वॉशरूम को देख लेते हैं। वापस ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन मैं पहले बता चुका हूँ। सिर्फ आप टाइल्स देख लीजिए जो आपको यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है। तो ओवरऑल 957 के कारपेट में इन्होंने मास्टर बेडरूम तो ऑसम दे दिया। मतलब लिविंग रूम के जो साइज़ है ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम का भी उतना ही साइज़ है। लिविंग किचन एंड बालकनी भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, 3 BHK के हिसाब से हमको 2 बालकनी तो लगती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बालकनी का फील देने के लिए इतने बड़े साइज़ का विंडो तो देके रखा ही हुआ है। तो ये तो 957 के कारपेट की बात है। अगर 1000 कारपेट रहे, 1100, 1200 जो इनके पास वेरिएशन है, तो उसमें और इन्हेंसमेंट्स आ जाएगा। तो आप सामने साइड पे आइए, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चारोली में ब्राइडवेल सिटी से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है ये, धानोरी से 15 मिनट के डिस्टेंस पे। तो अगर आप धानोरी चारोली देख रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप विश्रांतवाड़ी दीघी साइड देख रहे हैं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। अगर आप मोशी साइड तक जाने को तैयार हैं तो वहाँ क्यों जाना, वो प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। आलंदी क्यों जाना, वहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको प्रॉपरली मिल रही है। सो वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फ्लैट पसंद आ रहा है इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।